वेलकम बैक टू प्रियंका फूड टेक। मैं हूँ प्रियंका और आज की रेसिपी में मैं नवरात्रि स्पेशल स्नैक्स लेके आई हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज की रेसिपी कुछ खास होने वाली है क्योंकि ये है इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और दो तीन इंग्रेडिएंट्स से मिलके ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो ले लिया है। मैंने इसको पहले से वॉश कर लिया था और अब मैं इसको पील कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसको पानी में डुबो के धो के रख लिया है। अब मैं इस तरह का ग्रेटर जो सभी के घरों में मिल जाता है जिसमें सबसे मोटा वाला साइड्स होता है उससे मैं आलू को लंबे लंबे ग्रेट कर लूँगी जिससे हमें लंबे लंबे और मोटे मोटे लच्छे मिल जाएंगे। तीनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया लच्छे तैयार हो गए हैं। अब इसमें बहुत सारा स्टार्च है तो स्टार्च को हटाने के लिए हमें इस लच्छे को 2 से 3 बार या 3 से 4 बारी पानी से अच्छी तरह से धो लेना है जिससे ये हमारे पोटैटो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो लीजिए मैंने इसको धो लिया है 1 टाइम और मैं इसको धो के लाती हूँ। तो ये धो के मैंने इस तरीके के एक छन्नी में ड्रेन कर लिया है जिसमें इसके अंदर का सारा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। उसके बाद मैंने किचन की क्लीन टॉवल लिया हुआ है जिसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी और इसको डैप डैप करके मैं पोंछ लूंगी जिससे पानी ज़रा भी और हो तो वो निकल जाए। तो देखिए कितने बढ़िया स्ट्रिप्स हमारे तैयार हो गए हैं और ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको ज़्यादा देर ना छोड़ें वरना ये काली हो जाएंगे। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। ये मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। अब इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारा मीडियम टू हाई गर्म हो जाना चाहिए। मीडियम टू हाई हीट पर इसको हमें फ्राई करना है। तो उसको शुरू करते हैं। इसको मैं 2-3 बैच में फ्राई करूँगी। मैंने आलू के स्लाइसेस को इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। 4 to 5 मिनट्स लगता है इसको फ्राई होने में। वैसे नवरात्रि की फास्टिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरे 9 दिन का फास्ट करते हैं, एक वो जो पहला और आखिरी दिन का फास्ट करते हैं और तीसरे मेरे टाइप के लोग जो नवरात्रि की स्पेशल रेसिपीज को इंजॉय करने के लिए फास्ट करते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी ज़रूर बताएं। तो देखिए बातों बातों में हमारे ये आलू के लच्छे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इस पर। अब इसको मैं ड्रेन करके निकाल के एक टिश्यू पेपर पर रख दूंगी जिससे इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो अब हम इसका अगला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसको पोटैटोज़ को कढ़ाई में डाल दिया है और ये देखिए कितने अच्छे बबल्स के साथ ये फ्राई हो रहा है। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है। नवरात्रि के 9 दिन में एक दिन तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये मेरी रेसिपी को ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नवरात्रि के 9 दिनों में या 9 दिनों की फास्टिंग में बहुत से लोग बिल्कुल भी नमक नहीं खाते हैं, बट जो लोग नमक खाते हैं उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए बातों बातों में सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसको भी मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है और अब मैं इसमें पीनट्स ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें पीनट्स को 1/4 का पीनट्स मैंने लिया है। इसको भी मैं डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने इसको एक स्ट्रेनर में या जिससे मैं स्ट्रेन कर रही थी छन्ने में इसको ले लिया है और इसको मैं इस तरह से डिप कर करके फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने में 1 to 2 मिनट्स लगते हैं। बहुत ही फटाफट से हो जाता है। अगर आप फ्राइड मूंगफली पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट हाँ ड्राई रोस्ट भी हमें लो हीट पर ही करना है तभी आपकी मूंगफली अंदर तक एकदम क्रिस्पी होगी। तो हमारी ये मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फ्राई कर दोगे तो इसके ऊपर की जो लेयर है वो काली हो जाएगी और मूंगफली में एक बिटरनेस आ जाएगी जो किसी को पसंद नहीं आती। तो देखिए हमारी मूंगफली ये फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी मैं एक टिश्यू पेपर में इसका ऑयल ड्रेन करने के बाद निकाल लेती हूँ।
ये डन, ये मैंने टिश्यू पेपर में इसको निकाल लिया, हो गया, आसान था। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ 8 से 10 बादाम लिए हैं या आमंड्स लिए हैं और 8 से 10 कैश्यू नट्स लिए हैं, जिसको भी मैं डीप फ्राई कर दूँगी। ये कंपलसरी नहीं ना, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश या ड्राई कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्रिस्पी पोटैटो या आलू के लच्छे को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैंने पीनट्स ऐड कर लिया है और हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें सेना नमक ऐड कर दूँगी या व्रत वाला नमक ऐड कर दूँगी और 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दूँगी या ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। अब इसको हमें टॉस कर लेना है। सिंपली ईजी और क्विक रेसिपी, ये टॉस कर लीजिए और तैयार है। और हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की है, इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की है जिसको मैंने स्लाइसेस में कट करके और ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था जिससे वो भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो तैयार है हमारे इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो या आलू लच्छा, जिसको आप स्टोर करके रखिए या तुरंत खाइए, चाय के साथ खाइए, फास्टिंग में खाइए या कभी भी खाइए। और अगर हाँ, इसको आप कभी भी खाने वाले हैं, इसको आप व्रत में नहीं खा रहे हैं या वैसे बना रहे हैं, तो इसमें आप आमचूर पाउडर या चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, अपने मनपसंद स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। इसको 9 दिन में से 1 दिन ट्राई ज़रूर करें। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी और बढ़िया सी रेसिपीज़ के साथ। ऐसी और भी बढ़िया रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।